एक्सप्रेशन। तो भाई जी सेट है मोटरवे पकड़ने के लिए। टंकी टॉप कराते हुए वैसे कितने 6,290 रुपये सर। पेंशन सब सेट है। अभी हम डीजल डलवा के कराची की तरफ रवाना हो गए, फिर हम सादकाबाद में रुकेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह कल अगले दिन हम कराची जाएंगे। ठीक हो गया, अभी अपनी गाड़ियों में डीजल डलवा के मोटरवे की तरफ रवाना दवाना होने। ठीक हो गया, सब ठीक है। 800 किलोमीटर जाना है आज हमें, बट सुपर मोटरवे विद नो ट्रैफिक, अब विद नो पेट्रोल पंप, विद नो ईटिंग प्लेस, अब लूज चेक करो, नो लूज ईटर। तो गूगल कहता है 8.5 घंटे का रास्ता है, इफ यू एवरेज 50। अब गूगल खोलो अपना, गूगल बस अब गूगल बता रहा है हमें कि कहाँ जाना है। तो जो वो आंटी कह रही हैं हम उधर जा रहे हैं, और जब एक दफ़ा हम चढ़ जाएंगे मोटरवे पे बस फिर चलते ही चले जाएंगे कराची की तरफ। गूगल के सारे रास्ते एक छोटे से रेस्ट स्टॉप पे हम रुके हैं। इधर मैंने अभी मैं गई लेडीज़ लू, तो शुक्र है वहाँ कोई लेडीज़ नहीं थी, आराम से जो है ना हो ली। और अब
अब एक इधर मार्केट आई है तो बेक एंड बाई मार, तो इधर देखते हैं अगर कोई ऐसी अशिया मिलती हैं जो अशिया गाड़ी में नहीं है और जो खा सकूँ ज़रूरी अशिया। जैसे सबसे पहले तो वो बनियाने ही मिल रही हैं, निम्को भी अच्छा लग रहा है। हमारी गाड़ी में टनों चीज़ें हैं, हम पीते तो हैं नहीं कि ओ ओ ओ ओ ओ ओके ओके दिस इज़ रियली गुड, सो आई एम गेट अ फ्यू ऑफ दीज लाइक दिस। मैं गाड़ी में बहुत कम चीज़ें खा रही हूँ लेकिन ये बहुत ही उम्दा है, तो 4 पैकेट ले लेती हूँ। और ये तो पता नहीं कराची में भी नहीं मिलते, ये कैरमल पॉपकॉर्न दो। कैरमल पॉपकॉर्न ये कराची तक चलाने हैं, इसको क्या करें कितने लें। दिस वन तो प्लेन पॉपकॉर्न भी मजे हो ये कराची में नहीं मिलते। अभी जो है ना एक और ही उम्दा चीज़ देखी, इसके पैकेट बड़े गंदे लग रहे हैं, ये मिट्टी लगी है क्या लगी है, मिट्टी टाइप चीज़ लगी है ये तो, ये तो कोई ख़रीदता नहीं है लेकिन मैं तो लेना ही, किसी खुली ट्रक में आए होंगे ये तो बहुत ही उम्दा होता है ये। इस पे क्या मिट्टी लगी हुई है या ये क्या लगा हुआ है, पूरे पैकेट पे जो है मिट्टी लगी हुई है, फिर ये क्या है उसके ऊपर, जरा इसको पोंछ के दें। बिकते हैं ना ये पॉपकॉर्न बिकते हैं ना, मुझे तो मिल गई टेंशन जरूरी अशिया है। मुझे तो नहीं मिल रही, वही देखो क्या पता है क्या मजे की चीज है, बॉम्बाट ये देखें। मैं गाड़ी में सिर्फ यही, या तो मैं ये खा रही हूँ, ये कराची में मिलता भी नहीं, इसको एक लें इसको टेस्ट करें ले लें। कैरमल पॉपकॉर्न है, एक करते हैं कहीं ना उल्टी कर लें। उल्टी क्यों करेंगे, जाएगा ही ना है ये उल्टी कर जाएंगे तो। अरे ये आप खाएं, ये नहीं नहीं मीठा है, मीठा थोड़ी खा। अच्छा अपने गाड़ी में ले जाए ना फिर भाई, उन लोगों को दे देना बॉयज को, मैं तो खाऊंगी ना लेकिन अभी आप नहीं, ये आप खाएं, मीठा नहीं खा। नहीं लेकिन ये अब आपने खोल लिया, अब आपको दे रहा हूं पैसे, आप खाएं, मैं दे दूंगा। अच्छा बाहर तो दें अभी, अच्छा उनको पूछे उन्हें मजे के लग रहे डॉक्टर, जरा ये चखें आप। नहीं ये एक चखे हैं तो फिर आपको अगर पसंद है, पॉपकॉर्न भी मिल रहे हैं भाई, आप ये चखे बताएं फिर कैसा है। बहुत मजे का है मेरी तरह, वाह 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 बड़े मजे का है। मैं तो यही खा रही हूँ, मैं ले रही हूँ, किसका है ये टेंशन का है, इसको पसंद नहीं है मीठी चीजें, ये आप लोगों का हुआ। और अगर आपको आपके पास अगर गाने नहीं है गाड़ी में तो यहाँ पे बहुत जो है ना आइटम नंबर की वैरायटी मिल रही है, और कोई खिलौने शिलौने चाहिए बब्बे टाइप चीज़ें तो वो भी मिल रही हैं। गाड़ी जो है लबालब भरी हुई है, पता नहीं कोई 100 कैन है गाड़ी में, पीता वीता कोई नहीं है। पानी पीना और क्या करना है, ये क्या करेंगे, रेस्ट स्टॉप भी कम आते हैं तो नहीं यहाँ ज़्यादा है। अच्छा जी कितने हो गए, 8 स्लॉली
से मजे की और चीज नहीं होते कि जबान जो है वो बैठ जाती है। वाह वाह, कैसे हैं और चाहिए? तो भाई ये मुझे गाड़ी में जो है ना दो चीज़ें पसंद आई हैं जो खाने के लिए ना, वरना भरा हुआ है लबालब। चिप्स मैंने नोट किया है, खा ही नहीं चाहते वो जायके में बिल्कुल ही। तो क्या खाया ये मुझे बहुत पसंद है, जब थोड़ा ये खाया, कॉफ़ी पी, ठीक है। अकेले अकेले तुम कॉफ़ी पी रही हो? वो तो मेरे बनी रखी तो होती है, गाड़ी याद नहीं आ रही। और मैंने तुम्हारे लिए ट्रिप पे जाने के लिए वो गर्म पानी का वो लिया, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो मुझे सर्व के लिए चाहिए। अच्छा, उसके अलावा फिर क्रेविंग होती है कुछ मिर्चों वाला खाएं, तो वो निम्को के चिली चिप्स, वो स्टिक्स वाले, थोड़ा स्पाइसी थोड़ा मीठा, उसके साथ थोड़ा जिंजर बियर पी लें। वाह वाह, लेकिन पिए देख के खाएं, जो भी पिए देख के। इधर अभी कोई अभी इनको तलब हो रही थी, वरना डींबू आ जाता है। इनको किसी और चीज की तलब हो रही थी, आइस लॉली की नहीं। ये रुक गए, मैंने बोला भी नहीं। स्मोकिंग करनी थी, तंबाकू नोशी। अब हम बिल दे दें, मैंने बहुत सारे पॉपकॉर्न लिए हैं। अच्छा ये पकड़े सर आप जरा, ये अच्छा, ये भी अच्छा आइटम है। ठीक हो गया, खाए पिए मजे करे, और आज कुछ करने को है नहीं, बस बैठे हैं। खा रहे पी रहे हैं, पी नहीं रहे, खा रहे हैं ज्यादा। और भेरा पे देखें अगर कोल्ड कॉफी मिले। हम रिवर से गुजर रहे हैं, के लिए एग्जिट है।
अंदर रुकना है कहीं या पेट्रोल डलाऊं? पहले पेट्रोल डलाने कोल्ड कॉफी है तो डीजल कहाँ है? सुपर टाइगर एक्सटी, सुपर टाइगर एक्सटी शावर रोड ये मीटिंग ऑफ बस पसीनों में शराब हो रहा तो 12 बज रहे हैं क्या? कंटकी खाते रहना क्या? अमेरिका में जनाब खुद शीशा साफ करो, यहाँ से नेक्स्ट खाने की जगह है कि सादिकाबाद के लिए चिकन पीस खाना है या नहीं? आपने डला दिया तो चले ना देखें, सर लेफ्ट पे चिकन पीस है ऐसे दे दिए इसको। हमारा ये क्या चीज है? सिंपली सूफी ओपन पर कोई मुर्गी की दुकान होगी। अब ये सेंटीग्रेड में करना पड़ेगा, हाई अल्टीट्यूड कुकिंग में क्या कुकिंग 4G आ रहा है।
कुकिंग डन एट एल्टीट्यूड दैट आर हायर देन एनी कुकिंग वाज बॉइलिंग और स्टीमिंग दैट वी रिक्वायर्ड टू फॉर लोअर टेम्परेचर सीधा जाना है चार किलोमीटर बाद इंटरचेंज जाएगा लेफ्ट और M4 सुबह से डॉग कोई 48 टॉफियां खा चुके हैं खत्म कर दिया जागना भी तो है दांतों का क्या हाल होगा वो कॉफी पी ये कॉफी तो ये की पूरा पड़ा मैं क्रैश कोल्ड कॉफी लेके आई उसे और नींद आ गई है देखो ये टर्निंग आई है ये आगे देखो तुम अभी आगे 3 किलोमीटर इसमें चीनी बहुत है पाप पीने दो उनको कूलर खोलने का इसमें देखते हैं कि इसमें है क्या वो माल ही माल है अब आप देख लें अब आप ले लें इसमें से कुछ हर रंग के जो है ना ये जूस है इसमें कुछ अरख भी होता है अच्छा ग्रेप फ्लेवर्ड भी है लाल आपका स्ट्रॉबेरी वाला किधर है मोगो जोगो ये लोग पियेंगे उसके बाद भाई ये फर्क है और वो लाल फर्क है लाल थोड़ा नीचे होगा ये आपको लाल चाहिए तो वो है अच्छा चीनी वाला मुझसे पिए नहीं जाते अभी मैंने क्वार्टर ये कॉफी पीना जबकि उसने दो दफा बनाई मैंने कहा जिसमें चीनी ना डालो क्वार्टर पी के चीनी का जो असर होता है ना 15-20 मिनट बाद वो नींद लगा देता है वरना तो मुझे नहीं आ रही थी नींद अभी गुजर गया है वो ये कूलर बंद कर दिया होटल वापस जमा दें और गाड़ी में सिर्फ खा ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते और सीनरी देख सकते हैं जब इसको जूस कहोगी या खाने की चीज मोगो मोगो गोटा चू चबा के पीना पड़ता है
अच्छी खासी गर्मी है। टैक्सी तुम्हारा बिल्कुल सही काम, सवा दो हो रहे हैं और बाहर तपती भी गर्मी होगी। पिलाने का ये फायदा है कि ये जल्दी लूज स्टॉप कर लेंगे। ये स्पेशल जूस है। हाँ जी। इसका नाम पढ़ा है आपने? मोगू जोगू। मोगू मोगू ऑरेंज फ्लेवर्ड ड्रिंक और उसके साथ है विद नट्टा टी कोको। नॉट अ चू। नट्टा टी कोको। वेरी गुड। मलेशिया का होगा या ऐसे? पता नहीं कहाँ का है। अंदर देखे ना इसकी चीजें हिल रही है। ये देख चुई बिट्स है, ये चुई बिट्स। हाँ वाह वाह। एक तरफ से मोटा है, उस साइड से मोटा है ना, तो पहले फट रहा है। अच्छा वापस कर दिया। डन हो गया। उतारे नीचे आ गया भाई मोटरवे पे, सब पे साथ में लेमन बार। देख ले अगला रेस्ट स्टॉप 2 घंटे बाद। हाँ, जब भी अभी फीलिंग हो रही है आपकी कुछ रेस्ट हुआ? मेरी तो फिलहाल नींद हो रही है, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, गुड है। और
का आ रहा है, सफर का मजा भी आ रहा है, पढ़ने का भी मजा आ रहा है। अच्छा अब आप ठंडे ठंडे जूस दिखाएंगे अपने? नहीं 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 मक्खन नहीं 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 नहीं, मेरा मक्खन इनके पास है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैग्नम फ्रिज में से ठंडी यख मैग्नम। अब ये भी खाएंगे और ड्रिंक बताएं। ओके आई एम गोना हैव अ कोल्ड कोक लेटर, आई शुड गिव यू अ कपल ऑफ थिंग्स टू पुट इन देयर। जिंजर केक फ्रॉम इस्लामाबाद। तहजीब, ये देखो जनाब, ये अब इसको काटना पड़ेगा। कटा कटा है बड़ा नरम सा गीला सा है। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया उसको खाना। चेक करो ना मैं पहले। आप इतमिन से इसके स्लाइस करके निकालो, थोड़ा टायर ना होगा फिर काटो, क्योंकि डब्बे में नहीं हो वो तो कीमा बोटी हो रहा। मैं आपको प्लेट दूँ? आप प्लेट है ना? प्लेट भी है। डॉग आपको दो देखो कितना बड़ा बड़ा पीस छोटा पीस। लो जी पहले चेक करो कैसे सो और चिकू छोटा पीस फॉर चेकिंग स्टॉप आप टू स्वीट नाइन नाइफ बहुत अच्छी कॉफी थोड़ी तो पिए मैं देती हूँ। वही केचप भी है और ये केचप है। अब मैंने बैलेंस किया हुआ है कॉफी डाली हुई है। अब मैं वही वो जिंजर है बट इट्स वेरी नाइस। कॉफी में पकड़ी हुई हूँ वो केक के स्लाइस केक ही खाए जा रहे हैं। कॉफी ले लें ये अपनी नहीं उसको पकड़े ना एक सेकंड गोद में। भाई ये कॉफी ले लें। हेलो देखें गरम है।
पक्षी कहाँ से आ गए? जाली साइन है। ये तो कोई रेस्ट एरिया आ ही नहीं है। आगे आएगा काफी। ये पीछे साइन था 1 किलोमीटर, मालूम होता है जाली साइन था। लोग भी तो जाली है। दो नंबर की इन्होंने हमारे साथ सही बात है। The rock. Wow. Iman. Boy, Jun, Maraya, Fakul, Kiyat, Raad. आप नहीं गए? ओपन में अभी जाओगे? गए तो आप 30 किलोमीटर पीछे से रहे थे। तो दिखाओ। वाह, अच्छा ये स्टॉप। ये था स्टॉप। दिस वाज द डर्टीएस्ट लू पूरे ऊपर से लेके नॉर्थ से नीचे आए। अब हम सिंध में एंटर होने वाले हैं। दिस इज लाइक सच ए डर्टी फिल्थी लू। आई डोंट नो वो इतने गंदे क्यों रखते हैं लू। क्या बाकी पूरे ऊपर से हमें अच्छे ही लूज मिल रहे थे। तो लू में कचरा भी, यही होगी मेंटालिटी कि गंदा लू अच्छा है। तो खैर हम गए मजबूरी में। बाकी इधर हम नज़ारा देख रहे हैं कि इधर हो क्या रहा है। जब हम नॉर्थ में थे ना तो बाथरूम इतने साफ़ होते थे और वो 50 रुपए लेते हैं बाथरूम इस्तेमाल करने के। अभी जैसे जैसे हम डाउन आ रहे हैं तो पता नहीं ये किस किस्म की सोच है, किस किस्म की मेंटालिटी है कि गंदा बाथरूम, बिल्कुल गीला, सीट भी गीली, अब उसी पे आप बैठे हैं। मतलब शायद सारे औरतों को पसंद आता होगा इस तरह गलीज़ बाथरूम इस्तेमाल करने में, तो इसीलिए वो ऐसे ही रखते हैं। कमाल कमाल है, बिल्कुल कमाल है। आप लोगों को चार्ज करें बाथरूम जाने के और उसको साफ तो रखें ना। तो एनीवेज ये तो हमें पता है। अब मर्द तो कहीं भी खुले पे चले जाते हैं मोटरवे के साइड में, हम तो नहीं खुले में जा सकते ना। हमें तो कोई रेस्ट एरिया चाहिए या कोई झाड़ी या कोई पत्थर। सो ये तो हकीकत है, तो इसको कैसे नज़रअंदाज करें। इस मुल्क में बहुत ही गंदे बाथरूम होते हैं नॉर्थ के अलावा। नॉर्थ में बड़े साफ हैं। मैं थोड़े वॉकिंग कर रही हूँ, ये लोग बैठे हुए हैं। सुबह कोई हम 8 घंटे से तो गाड़ी में बैठे हुए हैं। भावलपुर में हम रुकेंगे, होटल बुक हो गया है। उधर हम पुलाव शायद खाएं, लेकिन पेट भरा हुआ है पॉपकॉर्न से और चिप्स से और ऐसी अशिया से। तो मैं थोड़ी वॉकिंग करती हूँ मज़ीद और ये लोग बस बैठे हुए हैं और सुट्टे लगा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं और शुगर्स हाई कर रहे हैं चाय चमचा पी के।
तो इन लोगों से भी कुछ अपडेट लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं। मेरा NHA वालों के लिए एक मशवरा है कि ये जो आपके रेस्ट स्टॉप पे इतना बड़ा सा गोला है ना, इस पे कुछ दरख्त लगा दें तो कुछ जंगल सा बन जाएगा, और बाकी भी फॉरेन पाम ट्रीज़ के बजाय आप लगा दें देसी दरख्त, पाकिस्तानी दरख्त और झाड़ियाँ जो इस इलाके की होती हैं। क्योंकि यहाँ पे इसी शॉट में अगर आप देखें, मैं गिन सकती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 पाम ट्रीज़ लगे हुए हैं और सब मर चुके हैं, और इधर कोई शेड वगैरह नहीं है। अच्छा ओके, ये पाम ट्री ज़रा करीब से पकड़ते हैं, और यहाँ पे सीमेंट काफ़ी है तो बहुत गर्मी हो जाती है। ये है ना, तो ये लगाने के बजाय आप कोई देसी लगा लें जो इस ज़मीन का है दरख्त, तो वो फिर छांव भी प्रोवाइड करेगा। दूसरा ये है, तो ये भी जो है लग रहा है कि मर गया। तो और भी हैं इस तरफ, वो भी जाके देख सकते हैं। तो ये लगाने का क्या फ़ायदा, क्या तुक बनता है इससे, कोई साया तो आता नहीं है। तो आप लोग क्यों ऐसे करते हैं, इसके बारे में कुछ करें आप लोग। थोड़ा डला लो फिर सुबह अच्छे पंप पे डलाएं। इसको कोई टेंशन से लो, ये टॉर्च ले लो। टॉर्च ले ले, टॉर्च टेंशन ये ले। नहीं पकड़ना। फ्यूज तो नहीं उड़ गया पीछे से? फ्यूज पर देख लो, डिम फुल करें जरा, ऊपर नीचे अप डाउन। रोशनी में आए जरा, वो इधर क्या हो गया? रहीम यार खान पहुंच गए इंटरचेंज पे, तो शहर की तरफ जा रहे थे तो अचानक से हेडलाइट ने काम करना छोड़ दिया। तो आप चेक कर रहे हैं उसको, हेडलाइट को, कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। टेंशन और डॉक्टर मंजूर लगे में टैक्सी और
वो पे चल। होटल वाले को फोन लेके आओ अपना। देख सड़क उधर पीछे से है, वो डायरेक्ट N5 पे निकलती है, वो अच्छी सड़क है। मैं कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन वो उसने टोल वाले ने बोला ये सड़क सही है। नहीं, सड़क तो सही है। होटल वाले को फोन करके फोन करके पूछो कि बेस्ट रास्ता क्या है। होटल वाले को फोन ये सड़क तो इससे पूछो, बंदे से भी पूछ लो, होटल वाले को लगाओ फोन। अपने पास बुलाओ। क्या कह रहे? वो एयरपोर्ट जाती है, प्रीमियर खान एयरपोर्ट, वो वाली सड़क नहीं तो एयरपोर्ट के पास है। हाँ, एयरपोर्ट के बाहर ही है, रहीम यार खान एयरपोर्ट। वो डाल दो मैं, रहीम यार खान एयरपोर्ट। डाल दो पहले सही है। वो जरा गूगल पे तो डाल ले। गूगल पे डाल दिया। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? 33 रेमियर खान। अब ये थोड़ा सा अपने आप को रिकंडीशन करे तो अभी उस सड़क पे चलते हैं ना, तो वो अपने आप को फिर सेट करेगा। Two. Continue on National Highway 5 for 9 kilometers. Head northeast toward National Highway 5, Asian Highway 2, then turn left onto National Highway 5. हेलो,
भरो। शेल का पंप कहाँ से गए? दोनों चलाई हुई मैंने। यहाँ से जो नीमियर का पेट्री टर्न का वहाँ से फिर आपको जो है ना आगे बड़ी नहर आएगी, बड़ी नहर सीधी जो आती है और वायरलेस पोल आ गया है, वायरलेस पोल से आगे 2 किलोमीटर की साइड में एयरपोर्ट है ना, स्टैंड नहीं होता जो गाड़ी वाला, वो गाड़ी चलाता रहूँ रेंट पे। इत्तेहाद क्लब जाना है? इत्तेहाद क्लब एयरपोर्ट के साथ है। हाँ तो वहीं पे मिलेगा, आप जो इनसे मालूमात कर लेना थोड़ा बहुत हो जाए। यहाँ से कितना आगे लेफ्ट होंगे? यहाँ से अभी ये अंदर जा रहा है रास्ता रिंग, इससे 13 किलोमीटर आगे फिर रिंगिया शहर आ जाएगा। फिर मैं भी जा रहा हूँ गाड़ी लेके, टेंशन नहीं है। और कहीं पे भी कुछ टेंशन बन जाए गाड़ी रोक के मालूमात हासिल कर लेना। हर जगह पे चलती है, बड़े दिखे अच्छे लोग हैं। हवा ज़रा कम करें। सुबह उठ खाना सपोर्ट दो। अजीब अजीब रास्ते से ये बता रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अंधेरे अंधेरे पतली गलियों से और एयरपोर्ट लगा हो तो भी वही। अब ये लोग इनसे अच्छी तरह समझ लेंगे भाई, एयरपोर्ट के लिए तो कुछ खुला रास्ता होना चाहिए। इसके हिसाब से 20 किलोमीटर दूर है ये। अभी तो चुकी थी पेट्रोल पंप पे खड़े, अभी तो रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता। 7,000 रास्ता ढूंढ रहे हैं। 7,060 हाँ चलो क्यों। So we've reached Rahim Yar Khan and with difficulty we found this place, you know, through the Shahar. Apparently there's a road that comes Seedha. So I'd like you to go into your room now. पता हुआ इधर तो हम महीने भर के लिए रह सकते हैं, हम खुद ही जा रहे हैं अपने घर है ना क्या? लेकिन लेकिन चादरें दो करनी होंगी हम, ये नहीं 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 ये नहीं ऐसे देखो हाँ देखो देखो हाँ आप इतना खूबसूरत, अरे बंद हो गया, इतना खूबसूरत बैठ कौन खराटे मारते थे? मैं अब्बा नहीं मारते, मैं उनके साथ 3 दिन सोया हूँ पिंडी में। वो तो एक तरफ घुस के तो वो इज लाइक अ लिटिल नोट्स लेने के लिए भी वो है। हाँ नहीं तो वो तो चादर तो मैं तो घसीट लूंगी, तो वो दो चादर घसीट लेना, तो घसीट लेना, ये तुम नहीं घसीट सकती। मैं कहूंगी
कंफर्टर और दें? नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं नहीं, ऐसे ऐसे होता है ये, तो अब ऐसे ही होगा। मैं भी तो एक ही कंफर्टर में सोया हूँ उनके साथ, तो और क्या। हाँ मैं एक साइड पे, वो दूसरी साइड पे। नहीं नहीं यार, अमजद अंकल क्या बस, तो फिर क्या करें, इधर इधर बैठे ना। हाँ आई थिंक ये कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे, एक मिनट। तो फिर आप अपना कमरा तो दिखाएं। आओ चलें हम, यहाँ तो मीटिंग्स कर सकते हैं आप। हाँ वो बिजनेस मीटिंग्स, हमारा कमरा जो है ना वो स्पेशल रूम है। अच्छा ये पूरा एरिया हमारा है, इधर तीन कमरे हैं। ये तो अच्छा जी, ये अब्बा जो हैं ये मेरे कमरे में पधारते हैं, सोते उधर है। मुझे अलग से एक कमरा मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता है ना, छोटा कमरा होता तो अलग से कमरा मिलता। आपने अगर साथ नहीं सोना, आप अपना नीचे तो नीचे हो जो कॉकरोच वगैरह आ जाए। तुम कहाँ डरती हो कॉकरोच से? नहीं तो मैं एक चादर और मंगाती हूँ, एक और कम्फर्टर। जी जी एक आप उनसे कह दें एक चादर और चाहिए, ऐसा पूरा कम्फर्टर जो है ना सात वाले कमरे के लिए। ये क्या सिचुएशन है? एक मिनट में देखते ना, ये इसमें तो आप भाग भाग के नहा सकते। हाँ, इसमें तो मैं एक दफा घुस गया तो वो तो बीच में है। लो तो उससे बच भी नहीं सकते। नहीं तो फिर अगर वो ही नहीं है, ये मैं तो बाहर ही नहीं निकलूंगा इसमें। अगर कंडीशनर ही नहीं है तो फायदा कोई नहीं है। नहीं मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा इसमें से भाई, मैं नीले ड्रम कंडीशनर दू, नीला ड्रम ठंडा यख पानी उसके साथ में नहाया हूँ। ये तो मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रहा कि समझ नहीं आ रहा इधर से कैसे बाहर निकलेंगे, है ना। हाँ एकदम घुस गए बाहर नहीं आ रहे। दूं मैं आपको कंडीशनर, है ना। हाँ मुझे कंडीशनर के बगैर तो काम नहीं चलेगा ना मेरा। ठीक हो गया, मैं आपको दे देती हूँ, आप पुड़िया में निकाल लें। ठीक हो गया, चलिए हम अपने सेटिंग करते हैं वहाँ। आप पानी शानी पी लें। कह रहे हैं सरीना से पी। हाँ सरीना तो कुछ भी नहीं है, लगी किसने कितनी टेबल कर रहा है। ये आपकी आपके क्या लगा हुआ है? ये डॉक्टर साहब की टेप। अच्छा ठीक हो गया भाई। अब आया मुश्किल काम, सारे बैग वैग उठाने, कुछ फुटेज कॉपी करनी है, बैटरीज चार्ज, एक्सटेंशन बोर्ड लगाने हैं, काम ही करो मैं ना, और नहीं किया तो वो ख़त्म हो जाएगा। मेमोरी कार्ड हमारे पास एक ही होते हैं, लेकिन क्या उम्दा टेम्परेचर है इधर। इधर एक क्या बोलते हैं इसको, फ्रिज भी है, इधर एक टीवी भी है, सोफा भी है, और हम पहुंचे इधर रात के 12 बजे हैं और सुबह 8 बजे निकल जाना है। तो लेट्स सी, अब मैं सामान रखूं और रोटी और हांडी का मैं इंतज़ार करें। अभी हम बैठे हैं यहाँ इत्तेहाद क्लब रहीमयार खान में, सुबह का नाश्ता किया है। वो जो 0 डिग्री था चिपरसन का वो यहाँ बहुत याद आ रहा है। यहाँ सख्त गर्मी है लेकिन गर्मी का भी तो मज़ा लेना है ना, तो हम बाहर बैठ के चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें। यहाँ से अभी थोड़ी देर में रवानगी है, सक्कर तक तो मोटरवे है, उसके आगे फिर वो अपनी सिंध की सड़कें, रात तक ही पहुँचेंगे। बट सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज़ बीन एक्सेलेंट, हमारी अकोमोडेशन इज़ बीन वेरी गुड,
हमारी जो कॉन्टैक्ट्स बने इस ट्रिप के अंदर, उसमें वो बहुत अच्छे लोग, बड़ी नाइस पीपल, और हमने खूब मज़े किए। अभी तक तो हमने कोई तकरीबन 4,500 किलोमीटर गाड़ियाँ जला दी हैं, अभी बस थोड़ा सा रह गया है। दिल दिन चारा वापस जाने का प्रयास में, जो हमारी कॉन्क्रीट जंगल की रूटीन है ना, वो इट डजंट सूट मी। शुड हैव बीन बोर्न इन चिपरसन। या आई हैड लव बीइंग बोर्न इन चिपरसन। सेम हियर। मेरी भी घुटने जो हैं इस वक्त वो आर्टिफिशियल होते। हाँ, वी वुड हैव बीन आलम जान्स नेबर। या आई नो, ट्रैक द माउंटेंस अप देयर। या क्या जगह है, क्या लोग हैं, इज नो कंपैरिजन। दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलते। आई थिंक देयर अ डाइंग स्पीशीज, यू नो, वो जो हॉस्पिटैलिटी, जो मोहब्बत, जो जेन्युइन कंसर्न, जेन्युइन, यू नो, व्हेन समबडी वांट्स टू प्लीज यू एंड यू कैन टेल दैट ही डजंट नीड टू प्लीज यू, यू लाइक अ बर्डन ऑन देम एंड येट दे विल डू एवरीथिंग फॉर यू। Those are the kind of people up north. क्या बात है हमारे पाकिस्तान की। My trip का 20-day trip का today is the last day. पानी प्लीज और ला दीजिएगा ठंडा। हाँ, दो बड़ी मंगवा लूँ। तो रहीम यार खान से टू कराची गूगल के हिसाब से इट शुड बी 8.5 hours non-stop, but क्योंकि अभी drive slow तो 10:30 पहुँचेंगे यहाँ पर। और हमारे कमरे में एसी ऐसा था, आज गर्मी है, मोटी रजाई और फ्रीजिंग वो था, चिपरसन वेदर इंदर में। मैं तो अभी वहाँ ठंडा होके आई हूँ, ज़रा 2 मिनट वहाँ ठंडे हो जाए गाड़ी में। बट इट्स अ लॉन्ग ड्राइव, जैसे डॉग कहते टू सक्कर, इट्स अ मोटरवे एंड सक्कर से कराची इज द ओल्ड GT रोड, बट रौनक वाली सड़क होती है, स्टॉप एनीवेयर, ईट एनीवेयर, तो यूँ अच्छा है मोटरवे पे, देयर इज नथिंग, यू आर नॉट ट्रैप्ड ऑन द हाईवे के लोग नहीं जा सकते। ओवरऑल ट्रिप हैज बीन रियली नाइस। मैंने कहा 20 दिन कैसे गुजरेंगे, मैं डॉग से भी यही कह रहा था, मैंने कहा कहाँ गए 20 दिन, गुजर ही गए। ओके ठीक है, हो गया। तो जी नाश्ता भी कर लिया है, सामान सारा गाड़ी में रख दिया है, एसी में भी ठंडे हो गए कमरे में, जो बर्फ़ जैसा ठंडा था। अब बस हम चेकआउट कर रहे हैं और हमारे 15 घंटे का सफ़र कराची तक का रहीम यार खान से कराची, हमें इतना ही टाइम लगेगा, तो बस हम निकलने लगे हैं और रात तक हम घर पहुंच जाएंगे और फिर हम दूसरे सफ़र का जो अगले साल करेंगे उसका हम सोचना शुरू करेंगे। और कंक्रीट जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे जब तक। ओवरहेड ब्रिज आएगा लेफ्ट जाके, ये हम जा रहे हैं कनाल के साथ साथ लेफ्ट, इवेंचुअली ओवरहेड ब्रिज स्टार्ट GPS हियर, बट नाउ वेली पूछेंगे। 4 किलोमीटर नहर के साथ साथ विद वाटर पंप, विद वाटर पंप। क्या टाइम हुआ? 10:15 10:15 इसकी डॉट लाइट्स का कुछ हुआ? किसका? गाड़ी की बत्तियों का बदल दी, सुबह सुबह बदल दी।
हम तो मोटर वे तीसरी कॉल भी अच्छी वाली है। अरे बाबा अभी तो हम तो आम रही कहाँ से निकले बस मोटर वे चढ़ने वाले नहीं नहीं वो मोटर वे पे हम चढ़ने वाले हैं अभी तो शक्कर से भी पीछे हैं। हेलो श्याम। हेलो श्याम। टेंशन से ये पूछो कि इसने डॉग्स की हेडलाइट ठीक कर दी है अब चल रही है या नहीं? जी जी चल रही है। ओके ये देखो क्या जा रहा है। कंबल सोनी का प्रेशर कुकर मोबाइल शॉप मोटर वे सड़क आ जाती है हो जाती है सात का बाद नहीं वड्डी वाली सड़क जड़ी है वो नई बनी नहीं नहीं वो अगे जाके ब्रिज किधर है हा? ब्रिज पुल पुल है गा ना एक नहर किधर है नहर नहर तो सारे पास इधर भी नहर है अल्लाह ने कड़ी नहर तुसी जांदे हो वड्डी रोड है या पीछे वे ये जैसे मार रहे हैं ना ये राइट उधर भी हर पास नहर केड़ी नहर से आ गई नहर कोई निशानी नहीं है। इधर आओ ए इधर आओ हवा थोड़ी सी कम कर अब मोटरवे नु सड़क आ जाती है आगे जाके मोटरवे नु लगेगी इथे सादकाबाद तो निकलेगी कितना दूर है सादकाबाद सादकाबाद 17 किलोमीटर है हां बस ओके डबल रोड ये है वो कुत्ता देखा निकल गए हैं हम कराची की तरफ बहुत ही खूबसूरत गांव के इलाके से हम गुजर रहे हैं यहाँ पे नहर कोई निशानी नहीं है क्योंकि नहर को हर तरफ तो अब कोई और निशानी पकड़े और फिर हम सादकाबाद की तरफ जा रहे हैं 10:30 और अब देखें कराची कब तक पहुँचते हैं बहुत दिल चाह रहा है कि यहाँ ड्रोन उड़ाया जाए लेकिन वक्त नहीं Thank you.
पुल को सड़क किधर जाना है? मोटरवे पे जाना है तो पुल का सड़क कौन सा है? मोटरवे पे कहाँ, यहाँ से चढ़ती है ना मोटरवे पे, हमें तो वो ये सही बता रहा है। इधर से नहीं जाते, इधर जाना भैया मोटरवे पे। मोटरवे इधर नहीं है भाई, ऐसे चले जाओ पीछे। हाँ चले जाओ बाईपास पे। बाईपास कहाँ है? ये पीछे ये फाटक है, फाटक ये पीछे जो छोड़ गए आप, ये लेन वाला फाटक है। लेन वाला फाटक, अच्छा। हाँ ऐसे सीधे चले जाओ बाईपास पे। बाईपास पे जाना होगा। हाँ जी पीछे चले जाओ। नहीं तो ये सड़क छोड़ के पीछे जाए। हाँ जी ऐसे पीछे जाओ थोड़ा, अगर फाट रखा है ऐसे में। तो यहाँ पुल नहीं है, अड्डा कहाँ है? यहाँ अड्डा उधर ही चले जाओ ना, ऐसे तो अड्डे जाना, ऐसे चले जाओ पुल से नीचे सीधे जाएगा अड्डे पे। इधर जाना इधर है अपने कराची, कराची जाना ना, वही तो बोल रहा हूँ। ऐसे मुड़ो, ये नीचे रोड है, और सीधे अड्डे पे, अड्डे पे सीधे चले जाओ ऐसे कराची रोड पे। यही है बता रहे यहाँ से। इतना दूर है अब आप 1 किलोमीटर उसके बाद 1 किलोमीटर बाद किधर रुकना है? यहाँ इधर से जरा सा आगे निकल जाए, वहाँ रुके, किधर क्या कह रहे हो? खराबी क्या हुई है? हेलो गाड़ी को क्या हुआ है? फोन करो यार। क्या हुआ है गाड़ी, कहाँ रुक गए हो, क्या हुआ है? अच्छा तो वहाँ है एटीएम क्या? अच्छा अब आ रही है आवाज रेडियो पे, तुम्हारे रेडियो में कर, तुम्हारे रेडियो में। अगर आप एक जरूरी ऐलान सुनिए, बाहुकम जिलास चीफ अफिसर साहब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चारिकाबाद, तमाम दुकानदार हजरात और फ्रूट सब्जी फ्रूट रिंगी वाले हजरात को भी नजरिया ऐलान मुकदमा किया जाता है कि दूसरे में ये आवाज कह रहा है कोविड जो है यहाँ कम हो गया है बहुत, और हम 2 टेस्ट कर रहे हैं दिन के, तो एक लेकिन गिर गए हैं बहुत। Amen.
खाती रही हूँ। मेरे पसंद के चिप्स में नहीं, बट हमने बिरयानी पिक करी है सात का बाद से, उसके लिए पता नहीं कितना इंतज़ार करना हो जब तक चिप्स और बिस्किट से गुजारा करेंगे। ये वाले खोल लेते हैं, सादा नमक वाले। एक्चुअली वहाँ ये एंडी हो जाती है रोड, हम आ रहे थे ना खुफिया एंट्रेंस पंप के साथ, और अपनी तरफ से सात का बाद आ रहे, तो जब यहाँ से वहाँ किया तो पैसा लगे कोई नहीं। कितना लगेगा पर्ची का, कितना पैसा? दो टाने एक दो खाना, उसकी तस्वीर खींच लूँगा ऊपर स्टेशन। ओह, इट्स लाइक एन ओवन। इधर इतनी गर्मी है और इस लोहे की प्लेट पर मैं खड़ी हूँ कि लग रहा है कि मैं एक टोस्टर अवन में खड़ी पे खड़ी हूँ, लग रहा है जैसे टोस्टर अवन में सिक रहे हैं। हाँ ना, इतनी गर्मी मतलब जल गए यार, देखो ये देखो ब्राउन हो गए, जल गए, लग गए, इतनी गर्मी हो रही है उस पल्ला। और ये धूप जो है इतनी साफ है क्योंकि वो डस्ट जो है नहीं, तो सारा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम था हमारा वो खत्म हो गया बारिशों में, तो आपको धूप इतनी तेज आ रही है कि आयोनिक रेडिएशन है पूरी, वो यूवी इंडेक्स हाई हुआ है। हाँ, सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग यार। वो ऑलमोस्ट फ्री काम राइट दबाओ एमबे उतारो, एमबे उतारो, उतारो मैडम। हम लगाते नहीं है ना आदत, वो तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी जाए तो वो आगे फोन में लगा देना चाहिए ना। स्मूथली छोड़ी जरा सी चप्पल यहाँ रोको, जरा सी चलाओगी तो आ जाएगा, लो इतने आगे होगी तो। हाँ जनाब, तुमने एंगल धूप मेरे पे डाल दी ना, यूं यूं गोल जैसे आई थी ना दूसरी तरफ ऐसी, थोड़ा सा कर दो चार फुट, बिल्कुल जैसे यस, और लो और लो, देखो ना अब छाया आ गया। रिकॉर्ड पे था पता नहीं, हाँ नहीं उसको था, मैंने राइट बटन ठीक ठीक इंडियन का 2860 केजी, दो टन, 860 वेरी हैवी, वेरी हैवी। तो अभी जरा बता देंगे हम उतर गए हैं अब बैक। हम लोग वो जो सामने मोटरवे थी वर्ल्ड के वो रोडी टोल प्लाजा से निकले,
बॉर्डर पे एंड देयर इट शुड हैव गॉन टू कराची। अब इधर से हम उतर गए, गाड़ी को वे कराया, उसकी पर्ची ली है, तो अब हम जगह ढूंढनी है आम का बाग जिसके नीचे शेड हो, वहाँ बैठ के कुछ खाना खाएंगे, बिरयानी लेके आए हैं या एक शहर। ये 3 hours 20 minutes है, वो 4 hours 20 minutes है। ठीक है, ऐसी क्या बढ़ गई नहीं, वो लंबी है टाइम वाइज। हाँ वो जरा टाइम वाइज लंबी है। रास्ता जरा मुझे बताएं, इंजन के आवाज से जरा दूर। वो मच्छर देखो सईदाबाद के हाईवे पे खड़े हैं हम। वो चाह रहे थे कि कोई गूगल हमें बता रहा था कि आधा घंटा फास्टर है कोई सड़क यहाँ से, तो वो हमने वहाँ चेक की तो वो ट्रैफिक बहुत है उस पर, तो अब हम उस पर N5 पे ही जाएंगे कराची की तरफ। पहले हैदराबाद, फिर हैदराबाद से आगे तो मोटरवे ही है, तो इशू नहीं है। इस सड़क पे ट्रैफिक बहुत है, हैवी बहुत, देख के गाड़ी चलानी पड़ती है। तो अब हम रुके हैं ज़रा, वो मेरे शीशे पे ज़रा कुछ आ गया था तो वो साफ करने के लिए रुके। हाँ हाँ ऐसे ही गाड़ी के जो है ना कुछ बहाने बना के सीख गए। और क्या, वो पूछा क्यों रुके, वो तो ऐसे ही कुछ चेक कर रहे हैं गाड़ी। भाई कुंजराब से आ रहे हैं, देखो हमारी गाड़ी के पीछे क्या लिखा हुआ है, कुंजराब किली मिंतका बाबा बुंदी इश्कुमन यासीन चंदूर शांगला दिवसाई वकान, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना गाड़ी को यार। अच्छा अच्छा यहाँ से आ रहे हैं। हाँ ये देखें, लेपर्ड बना है भाई हमारी गाड़ी पे यार। जी जी बिल्कुल, वही लेपर्ड की तरह चलती है ये गाड़ी। और ये स्टिकर कहाँ से बनवाया? ये स्टिकर हमारा मुहब्बे वतन है ना, तो ये हमने पाकिस्तान लगाया अपनी गाड़ी पे, ये वही हमने गिलगित से बनवाया था, लेकिन बहुत टाइम लगाया बनाने में उसने, ये खैर बना दिया बहुत अच्छा लग रहा है। तब देख रहे थे गाड़ी को टेंशन, गाड़ी को चलाता रहता है टेंशन, अपनी गाड़ी का कपड़ा मार रहा है, देख लो नहीं गलत बोल रहे, निशान ना रहे, नहीं कर रहा देख पर तो वीडियो बना रही है यार। वाह वाह क्या बात है,
हाँ भाई, कराची जाने की तैयारी हो रही है? बिल्कुल तैयारी हो रही है। पहला वेट पाइप मिला है ट्रिप का।